प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज हम क्लास टेंथ हिंदी व्याकरण में चार टॉपिक हैं आपके पास, पद परिचय, रस, रचना के आधार पर वाक्य भेद और वाच्य। तो आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेदों की प्रैक्टिस करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो आपके लिए हो जाती है। तो वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखते रहिए, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला जो सेंटेंस है वो है, गाय ने बछड़े को दूध पिलाया। रचना के आधार पर वाक्य भेद की पहचान करनी है। तो ये कौन सा वाक्य है? देखिए, मिश्र है, सरल है, संयुक्त है या साधारण है? ठीक है, तो साधारण तो कोई होता ही नहीं है रचना के आधार पे। अब आपने देखना है कि गाय ने बछड़े को दूध पिलाया, तो सिंपल सा है, इसमें कोई योजक शब्द नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरल, यानी कि पहला ऑप्शन, सॉरी दूसरा ऑप्शन क्लियर है। दूसरा है, दादाजी चाहते हैं कि मैं शिक्षक बनूँ। इसका सरल वाक्य में रूपांतरण, यानी कि सरल वाक्य में इसे बदलेंगे, दादाजी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो दादाजी तो बनना नहीं चाहते, मैं चाहता हूँ दादाजी शिक्षक, मैं चाहता हूँ दादाजी शिक्षक बन जाएं, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं, दादाजी मुझे शिक्षक बनाना चाहते थे, हो सकता है चौथा देख लेते हैं, दादाजी मुझे शिक्षक बनाना नहीं चाहते थे। तो क्लियर हो रहा आपको कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल क्लियर है, कि दादाजी मुझे शिक्षक बनाना चाहते थे, सरल वाक्य बन गया। तीसरा देखो, जो आदमी खेत जोतता है वह किसान होता है। ठीक है, तो इस वाक्य में आपने आश्रित उपवाक्य का भेद बताना है कौन सा है। संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, इनमें से कोई नहीं जब भी आपको ऑप्शन मिले तो ये बहुत कम आपका सही आंसर होगा, क्योंकि तीन ऑप्शन आपके हैं, तीनों में से एक आंसर होगा ही होगा। तो देखो, संज्ञा है नहीं, विशेषण है नहीं, तो ये है आपका क्रिया विशेषण। और चौथा सवाल है, इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का, बे टिकट यात्री रेलगाड़ी से उतर जाए, तो ये तो बिल्कुल सरल है, संयुक्त हो ही नहीं सकता। दूसरा है, सिपाही ने उस व्यक्ति को पीटा जो चोर था, तो ये जो है आपका हो गया मिश्र वाक्य। गायक ने सुंदर गाना प्रस्तुत किया, ये भी आपका सरल ही है। अब अगला देखते हैं, बच्चों ने नाश्ता किया और विद्यालय गए, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि और जुड़ा है यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि एग्ज़ाम में आपके पूरे मार्क्स आए। अगला है पाँचवा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य की पहचान करनी है आपने। सिपाही ने चोर को देखा और पकड़ने दौड़ा, और जुड़ा है तो आपका मिश्र हो ही नहीं सकता। हरीश नौकरी करना चाहता है, कोई कंजक्शन ही नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल सरल है, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा लग रहा है। फिर भी अगला देखते हैं, मोबाइल गिरा और फोन टूट गया, तो ये भी आपका नहीं है, आपका ऑप्शन थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आप मेरे साथ मुझसे पहले आप आंसर बता पा रहे हो तो ज़रूर अपना कमेंट में लिखें, मुझे तसल्ली हो जाती है कि हमारे बच्चे जो है ना मुझसे पहले आंसर दे पा रहे, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाओगे। अगला है, दिनेश ने खाना खाया और चला गया, सरल वाक्य में बदलना है, इसे सरल में बदलना है। तो जो ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, मिश्र वाक्य है तो सरल हो ही नहीं सकता। दिनेश खाना खाकर चला गया, हो सकता है। फिर तीसरा देखते हैं, दिनेश खाना खाकर चला गया, ठीक है, ये भी हो सकता है आपका। और जैसे ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, तो ये भी आपका हो गया मिश्र। दूसरा, पहला देखते हैं, तो पहला भी आपका हो गया मिश्र। अब देखो, यहाँ पर खाने की बात की गई है, तो खाना ही आपका बदलने वाले पे भी होना चाहिए, तो इसमें खाना नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, दिनेश खाना खाकर चला गया। आगे देखें, उसके आते ही तुम छिप जाना, ये मिश्र वाक्य में बदलना है इसे, वह आए तुम छिप जाना, बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं, उसके आने पर तुम छिप जाना सरल है, वह आए और तुम छिप जाना ये मिश्र है, सॉरी
संयुक्त हैं, तो जैसे ही वह आए तुम छिप जाना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है मिश्र वाक्य। अगला देखो आठवां, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, इसे संयुक्त वाक्य में बदल लें। संयुक्त वाक्य में इसे बदलेंगे, ऑप्शन देख लीजिए, जो ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसने मुझे देखा और खिसक गया, हो सकता है और जुड़ा हुआ है, मुझे देखते ही खिसक गया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसने मुझे देखा और खिसक गया। आगे देखो, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। तो जो ये अंडरलाइन कर रखा है ना, जहाँ से तुम आए, इसका आपने उपवाक्य का भेद बताना है। तो पहला देखो ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण है, आश्रित है या क्रिया विशेषण है। तो सिंपल सा है, ये आपका क्रिया विशेषण वाला उपवाक्य है। और अगला सवाल, अगर आपको विशेषण उपवाक्य नहीं पता हो रहे, कैसे आपको इसकी पहचान करनी है, आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं क्लियर इसकी एक वीडियो बना लूँगा, ताकि आप ये समझ पाओ कि संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य को कैसे पहचान करेंगे। अगला देखो दसवां है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का सही विकल्प, संयुक्त वाक्य का सही विकल्प। तो मुझसे पहले आप अपने आंसर देंगे और साथ ही अपने टोटल आंसर भी करते जाएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। संयुक्त में बदलना है, यदि आप नहीं मानते तो मत मानिए, ठीक है। दूसरा है, सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगे, मैं बाजार जाऊंगा और फल लाऊंगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इनमें से कोई नहीं तो आप पहले ही काट दो, सवेरा होते ही जुड़ा है तो ये तो आपका सरल हो गया, यदि जुड़ा है आपका मिश्र हो गया। तो यहाँ पर देखो, मैं बाजार जाऊंगा आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो ग्यारहवां, दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है, रचना के आधार पर वाक्य भेद है, तो ये कौन सा वाक्य है, सरल, संयुक्त, मिश्र या साधारण। दयाहीन पशुओं से भी बदतर है, तो ये बिल्कुल सरल है, कोई कंजक्शन नहीं है, कोई भी यहाँ पर संयोजक नहीं जुड़ा है। बारहवां, यदि अकाल पड़ेगा तो जन धन की हानि होगी, वाक्य भेद की पहचान करेंगे, सरल, संयुक्त, मिश्र या साधारण। तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप भी विचार कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल मिश्र सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक दूसरे पर डिपेंड है। और तेरहवां सवाल है, चांद आया किंतु चांदनी नहीं आई, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएंगे, सरल, संयुक्त, मिश्र या आश्चर्यबोधक। तो ये नया जोड़ दिया इन्होंने, आश्चर्यबोधक, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, किंतु जोड़ने से ये आपका बन गया संयुक्त वाक्य, क्लियर है। चौदहवां सवाल देखो, हाँ, चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है, रूपांतरण करना है। तो चोर ने अपने बचाव का कोई भी उपाय नहीं देखता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, लग रहा है चोर ने उसके बचाव का कोई उपाय नहीं देखा, या चोर ने देखा कि अब उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि दो लग रहे हैं आपको, चौथा और लास्ट वाला लग रहा होगा आपको, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और आप सोच रहे होंगे कि इसका डी क्यों नहीं है, तो अगर आपको डी जानना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, मैं आपको इसका क्लियर ज़रूर करूँगा। और पंद्रहवां सवाल है, वह हमारा मित्र है जो भाषण कर रहा है, तो रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है, संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण या प्रधान उपवाक्य। तो देखो, प्रधान तो है नहीं, हो ही नहीं सकता। अब आपने देखना संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, तो थोड़ा सा चेक कीजिए कि कौन सा ये हो सकता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि रेखांकित उपवाक्य, तो जो आपका जो रेखांकित उपवाक्य है ना, ये आपका प्रधान उपवाक्य है, मेन उपवाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर प्रधान उपवाक्य ही होगा, संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण बिल्कुल नहीं होगा। अगला देखो सोलहवां, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, तो आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद की पहचान करनी है, कौन सा हो सकता है, सरल, मिश्र, संयुक्त। तो इसका जो आंसर है ना, वो संयुक्त होगा। अगला है,
निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य कौन सा है? अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, नहीं हो सकता। बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत तो रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड है। 18वां देखते हैं, आनंद चार दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। इन वाक्यों का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है, संयुक्त में बदलने से आनंद चार दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। जब आनंद चार दिन गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया, आनंद चार दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया, या आनंद जब चार दिन गांव में रहा तो वह सबका प्रिय हो गया। तो देखो बी और डी तो आपका मिश्र है, लेकिन आपका जो सी है वो सरल है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वह पुस्तकें कहाँ हैं जो कल खरीदी थी? तो यहाँ पर जो कल खरीदी थी ये आपका उपवाक्य है, इसकी पहचान करनी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण। सर्वनाम तो कोई उपवाक्य है ही नहीं, तो कौन सा हो सकता है, थोड़ा सा चेक कीजिए। तो ये आपका हो गया विशेषण उपवाक्य। और अगला देखो, निम्नलिखित में से सरल उपवाक्य है, सरल वाक्य छांटना है आपने। जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगे। तो देखो यहाँ पर पहला आपका मिश्र हो गया, दूसरा आपका संयुक्त हो गया, तीसरा भी आपका मिश्र है, तो सॉरी चौथा, तो यहाँ पर तीसरा, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, ये बिल्कुल आपका सरल है। वह या वही घर है जहाँ मोहन रहता था, तो यहाँ पर फिर से आपने जहाँ मोहन रहता था आपको उपवाक्य छांटना है कि कौन सा उपवाक्य है ये, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है। तो यह आपका जो है हाँ क्रिया विशेषण है, और उसने अपनी कार खड़ी ही की थी, उसने अपनी कार खड़ी ही की थी कि आग लग गई, रेखांकित उपवाक्य का भेद। तो यहाँ पर देखो फिर से जो रेखांकित उपवाक्य है, संज्ञा विशेषण है, प्रधान है या क्रिया विशेषण है, तो ये आपका क्या है, प्रधान उपवाक्य है। और अगला 23वां, लगता है कि वह आज बहुत खुश है। फिर से यहाँ पर आप देखोगे कि उपवाक्य कौन सा है, संज्ञा विशेषण, सॉरी सर्वनाम विशेषण या क्रिया विशेषण, तो थोड़ा चेक कीजिए। और सर्वनाम तो होगा नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि ये भेद ही नहीं है, तो आप संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण में कौन सा हो सकता है। तो आपने कर लिया होगा इसका, तो ये आपका है संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि ये की से जुड़ा है, और मैंने सोचा वह जरूर आएगा, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए कौन सा है, मैंने सोचा वह जरूर आएगा। तो अगला देखो 25वां, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताएंगे, तो ये कौन सा है आपका, प्रधान है, आश्रित है, समानाधिकरण, इनमें से कोई नहीं, ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं। अब आपको चेक करना प्रधान है या आश्रित है, तो ये आपका क्या है, प्रधान उपवाक्य है, कोई भी आश्रित उपवाक्य नहीं है। अगला देखो, जैसा वह लिखता है वैसा मैं भी लिखता हूँ, रेखांकित उपवाक्य क्या है, क्रिया विशेषण, विशेषण संज्ञा है या प्रधान है, जैसा वह लिखता है। तो 26वां कौन सा होगा, तो ये आपका रहेगा क्रिया विशेषण। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, वाक्य की पहचान आपने की होगी, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू वीडियो मेरे बताने से पहले, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद नेक्स्ट मैं आपके लिए जल्दी से रस या पद परिचय की लेके आने वाला हूँ, तो बने रहें हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके। धन्यवाद।